है कि पुलिसकर्मियों को आसानी से लोन नहीं मिलता, बैंकों पर अब उन्हें भरोसा नहीं होता। अब इस मानसिकता को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक मानसिकता जरूर बदल रही है, सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ियों को लेकर। बुरहानपुर में इसका नजारा देखने को मिला, जहां जिले के अधिकारी अपने बच्चों को आंगनबाड़ियों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हंसते खेलते खिलखिलाते बच्चे, ये कोई प्राइवेट किंडरगार्टन स्कूल नहीं है, बल्कि ये शिकारपुर इलाके की सरकारी आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी की साफ सफाई देखकर और सहायिकाओं का बच्चों को पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि यकीन नहीं होता कि ये आंगनबाड़ी है। लिहाजा आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं को देखते हुए बुरहानपुर की तहसीलदार अनीता चौखुटिया अपने बेटे को यहाँ पढ़ने भेजती है। हमारे यहाँ है ना, सब बच्चों को खेलने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था बराबर पढ़ाते हैं हम, बराबर लाइन से पढ़ाते हैं कि कौन से समय क्या पढ़ाना है, कौन सा समय क्या करना है, खेलने की गतिविधि सब बराबर करते हैं, इसलिए मैडम का विश्वास बैठा हमारे पे। विश्वास है उनका हमारे पे, इन्हें सभी हमारे केंद्र है ना पूरे, उनका सभी का विश्वास है। शिकारपुर की इस आंगनबाड़ी में कई नवाचार किए गए हैं, जिसके चलते बुरहानपुर को नवाचार के लिए पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तहसीलदार अनीता चौकसिया भी आंगनबाड़ी के इस मॉडल की तारीफ करती हैं और वो ये भी यकीन रखती हैं कि यदि अधिकारी आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे तो स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ेगी। आंगनबाड़ी में, सरकारी स्कूल में भी भेजना चाहिए, जब हम लोग के बच्चे आएंगे तो कम से कम उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उसमें लोग सिंसियर हो जाएंगे कि भाई हमें जाना है, वरना हो सकता है कि कोई कार्रवाई ना हो जाए, तो मतलब अगर वो, इसीलिए इसमें थोड़ा उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी मेरे ख्याल से, पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। आंगनबाड़ियों में तमाम तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये हर कोई कहता है लेकिन करता कोई नहीं। तहसीलदार ने अपने बेटे को आंगनबाड़ी में भेजकर एक नई पहल की शुरुआत की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये पहल आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली में बदलाव लाएगी। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर।